हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। वो रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिस्कस करते वक्त हम दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे, एक इसको याद करने का तरीका और एक कैसे बनती है उसका मेथड। तो इसको याद रखना बहुत ईजी है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में एमाइड और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। ये एमाइड है और ये ब्रोमीन है, इन दोनों की रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। तो एमाइड का CO वाला समूह हट जाता है, ग्रुप हट जाता है और RnH2 बचता है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में KBr, K2CO3 और H2O बनता है। तो आपको याद रखना तो इतना सा है कि बीच वाला CO हटा लो और RnH2 बना लो। लेकिन एक्चुअली ये वाली जो रिएक्शन है इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनते हैं एटसेट्रा। तो इसके लिए इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म है क्या। सबसे पहले इस रिएक्शन में RC डबल बॉन्डो NH2 में जो हाइड्रोजन है वो इस बेस द्वारा ले लिए जाते हैं। बेस KOH है तो ये इसको ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा RC डबल बॉन्डो NH। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन H यहां से गया है H+ की फॉर्म में तो इस पे माइनस आ जाएगा, एक K+ बचा रह जाएगा। यही कह लो कि K+ इसके आसपास घूमता रहेगा और ये जो H+ निकला है वो OH- के साथ मिलकर H2 बना लेगा। K को हम यहां भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो RC डबल बॉन्डो NH- हमारे पास बना वो ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा जो कि अवेलेबल है। ऐसे ब्रोमीन नॉन पोलर है, दोनों तरफ कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, पर इस नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो ये माइनस इससे कपल हो जाएगा और Br को बाहर निकाल देगा, इससे ये बन जाएगी रिएक्शन RCONH। ये प्रोडक्ट बनेगा RCONHBr, इसका माइनस अब गायब हो जाएगा क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। और ये जो Br- निकलेगा वो बचे हुए K+ से रिएक्ट करके KBr बना देगा, ओके। इसके बाद अभी भी इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी हट सकता है क्योंकि मीडियम तो बेसिक है। तो इस RC डबल बॉन्डो NH Br की रिएक्शन एक बार फिर से KOH से होगी, तो ये जो बचा हुआ बेसिक हाइड्रोजन है वो फिर से हटेगा और ये बनाएगा RC डबल बॉन्डो NBr। इस पे फिर से माइनस और H2O और एक K+ बचा रह जाएगा, ये आगे कहीं काम आ जाएगा, ठीक है। H2 निकल गया और K+ बचा रह गया, Br भी यही है। अब इसके बाद ये जो बना है RC डबल बॉन्ड O NBr, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकता है। रेजोनेंस में ऐसा कि ये लॉन्ग पेयर अगर इधर गया तो ये इधर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, RCO, इस पे तीन लॉन्ग पेयर, एक माइनस चार्ज और एक डबल बॉन्ड N, क्योंकि इसने दिया है तो इसका माइनस गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड N और Br, ठीक है। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन से एक लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, वो कार्बन को मिला और इससे कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो गई, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया और O पे आ गया। अब इसमें फर्दर रिएक्शन हो सकती है इस वाले पार्ट में, वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को हम रीअरेंजमेंट स्टेप कहते हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये जो लोन पेयर है वो एक बार फिर से अगर इधर जाता है तो एक सिचुएशन तो यही है जो बना पहले था वही बन जाए, एक सिचुएशन ये है कि ये कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होने की जगह ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब ये बॉन्ड जो टूटेगा ना वो घूमता घूमता इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, इससे रिएक्शन करेगा या इस जगह पे अटैक करेगा, इससे नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी तो Br बाहर निकल जाएगा। मतलब हुआ ये कि इसने यहां दिया तो एक सिचुएशन तो ये टूटे तो ये बने, एक सिचुएशन है ये टूटे। अगर ये टूटेगा तो ये जो R बना है वो अटैक कर देगा नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन जो अटैक हुआ तो उसकी वजह से ज्यादा होने की वजह से Br बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R और Br- बाहर निकलेगा। वो Br- क्या करेगा, इस बचे हुए K+ से रिएक्शन करके
केवीआर बना लेगा। तो अभी तक हमारे पास दो मोल KOH काम आए हैं और दो मोल KBr बाहर निकला है और दो मोल H2O बाहर निकला है। अब इस रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट में ये जो R N डबल बोन्ड C डबल बोन्ड O बना एल्किल आइसोसाइनेट, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जल अपघटन, और जल या हाइड्रो पानी कहां से आएगा, ये दो मोल H2O हमारे पास अवेलेबल है, R N डबल बोन्ड C डबल बोन्ड O हमारे पास अवेलेबल है और रिएक्शन में दो मोल KOH अभी और बचा हुआ है। तो देखते हैं इसका दो मोल वाटर और दो मोल KOH से क्या रिएक्शन हो सकती है। तो R N डबल बोन C डबल बोन O, सबसे पहले हम ऐसे कर सकते हैं कि O डबल बोन C डबल बोन N R की रिएक्शन हमने H2O से करवाई। H2O से करवाने पर H2O में H प्लस और OH माइनस रहेगा और हमें पता है कि कार्बन के आसपास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक कर देगा और H प्लस बचेगा, वो H प्लस इस नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा O डबल बोन C OH नाइट्रोजन का H और R, ठीक है। तो सिंगल बोन्ड रह जाएगा यहाँ पे क्योंकि एक एच बोन्ड बना तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई रखने के लिए बोन्ड हट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद ये जो बना है ये फिर से H2O से रिएक्शन कर सकता है क्योंकि अभी भी कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। वैसे ये एक स्टेबल कंपाउंड है, कार्बेमिक एसिड कह सकते हैं इसमें, क्योंकि एक साइड COOH है और एक RnH2 है, लेकिन फिर भी इसकी रिएक्शन, इस एसिड की रिएक्शन अब बेस से हो सकती है फिर से, या ये समझिए कि एक बार और इसकी H2O से रिएक्शन हुई तो ये क्या बन जाएगा, O फिर से H2O है, H2O का एक पार्ट OH इधर ऐड होगा और एक पार्ट H इधर ऐड होगा, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि O डबल बोन C O H, इधर OH बन जाएगा और ऐसा बनते टाइम ये वाला बोन टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, RnH2, ठीक है। एक तरीका ये है इसको समझने का कि H2O में OH का एडिशन इधर हो गया, H का एडिशन इधर हो गया तो RnH2 निकल गया और C डबल बोन्ड OH हो गया, इसको मैं H2CO3 कह सकता हूं। इसका मेथड एक और था कहने का कि यार ये बेस पहले रिएक्शन करता KOH, KOH रिएक्शन करता, इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेता और फिर ये बॉन्ड टूटता इधर, तो रिएक्शन फाइनली होती तो ऐसी ही जो हाइड्रोजन निकलता वो अल्टीमेटली RnH पे ही जुड़ता, तो फाइनल प्रोडक्ट RnH2 और H2CO3 बन गया। H2CO3 अब जो है वो बचे हुए दो मोल KOH से, चार मोल KOH में से दो मोल ऑलरेडी काम आ चुके थे, दो मोल KOH अभी भी बचा हुआ है, तो एक तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर देगा तो K2CO3 सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, वाटर क्या है, H2O 2 मोल। तो फाइनली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बन रहा है RnH2, K2CO3, 2H2O और 2KBr जो कि ऑलरेडी रिएक्शन में बन चुके हैं। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है। आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा इसका मैकेनिज्म। अगर आपको ये सीखने में कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।